और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है किशनगंज से, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश की गई है। जिले से सटे पश्चिम बंगाल के इसलपुर के बॉर्डर इलाके में घुसपैठ की ये कोशिश की गई। बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है। बीएसएफ और स्थानीय लोगों ने इस कोशिश को हालांकि नाकाम कर दिया। घुसपैठियों को समझाकर वापस लौटाया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट लगातार जारी है और इस बीच एक बार फिर से बांग्लादेशियों की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्या कुछ एहतियात के तौर पर बॉर्डर इलाके में किया जा रहा है? जी देखिए, बीएसएफ के द्वारा, फोर्स के द्वारा लगातार तैनाती है और लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। गश्ती तेज कर दी गई है। ये जो उस तरफ से बांग्लादेशी नागरिक घुसने का प्रयास किए थे, उन्हें भी समझा बुझाकर वापस किया गया है। लोकल पुलिस और बीएसएफ दोनों इसमें भागीदारी होकर समझा के लोगों को समझा बुझाकर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अलर्ट है पूरे देश में, जहां पर बॉर्डर के बगल में अलर्ट है उस पर पूरी मुस्तैदी रखी जा रही है। बीएसएफ के वरीय अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और सारी चीज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांग्लादेशी नागरिकों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है क्योंकि ये प्रयास कर रहे थे घुसने का। और आप जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इसलपुर के बॉर्डर इलाके। और बिल्कुल ये एहतियात जो आपको नजर आ रही है, इसकी उस वक्त से ही शुरुआत कर दी गई थी। और देखिए, बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर स्थानीय पुलिस की बात कर लीजिए, बीएसएफ की बात कर लीजिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी तरफ से यहाँ पर लोगों को समझाया गया और वापस किया गया है। स्थानीय लोग जो हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर बहुत इस पर संजीदगी दिखाई गई, गंभीरता दिखाई गई और लोग अलर्ट हैं। उन्हें भी पता है कि ये घुसपैठ हो सकता है और बॉर्डर का इलाका है, इसलिए चौकसी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीएसएफ के तमाम और स्थानीय जो पुलिस है उनको आप देख सकते हैं जो इस इलाके में चहलकदमी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। इसलपुर के बॉर्डर इलाके में ये प्रयास किया जा रहा था बांग्लादेशी नागरिकों की तरफ से कि भारतीय सीमा में वो प्रवेश कर सकें। हालांकि लोगों की सतर्कता जो थी वो यहाँ पर काम आई है और फिर इन सभी को समझा बुझाकर वापस लौटाया गया है। तो एक बड़ी परेशानी इस वक्त पश्चिम बंगाल के इसलपुर बॉर्डर की एक घटना है। और ये जो बॉर्डर का इलाका है ये बिहार को भी छूता है, किशनगंज के इस इलाके से ये सटा हुआ। हालांकि आपको यहाँ पर बड़ी संख्या इन बांग्लादेशी नागरिकों की दिख रही होगी जो भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे। जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं उसके बाद इसकी आशंका सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी जाहिर की गई है और जो राज्य स्तर पर भी इसे लेकर बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की जो आबादी है वो वहाँ से हटना चाहती है, भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहती है। और जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं और उन इलाकों में ये घुसपैठ जो है वो संभवतः इसका प्रयास किया जा सकता है। और ऐसे में बांग्लादेशी नागरिकों के इस कोशिश को नाकाम किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि यहाँ पर एहतियात के तौर पर देखिए, सिर्फ ये जो आपको घेराबंदी नजर आ रही होगी इसी के इस तरफ बिहार की ये सीमा हो जाती है, भारत की ये सीमा हो जाती है और उसके दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो ये सीमा जो है वहाँ पर पश्चिम बंगाल और फिर उसी इलाके से सटा हुआ बांग्लादेश की सीमा से लोगों की आवाजाही का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। इस घुसपैठ की कोशिश को हालांकि वक्त रहते नाकाम किया गया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, तमाम उन बॉर्डर वाले इलाकों के लिए है जहां पर चौकसी तो बढ़ती जा रही है लेकिन स्थानीय लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। उन्हें भी सावधान और सचेत रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 24 आपको पता होता है कि आपके इलाके के लोग ये हैं या नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की आपको दिख रही होगी जो इस तरफ आपको दिख रहे हैं लेकिन प्रवेश करना चाह रहे थे भारतीय सीमा में।